इस क्वेश्चन में कह रहा है नेट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 1 माइक्रोफेरेड, व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, तो देखो तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो उसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी, ठीक ना। उसका इक्विवेलेंट कितना है सीरीज में, वन, तो हम क्या लिखेंगे, 1/1 इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। क्लियर, तो ये हो गया 1 इक्वल टू 3/C, तो C इक्वल टू कितना, 3 माइक्रोफेरेड। क्लियर क्लियर, तो एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड की है। अब इन्हें पैरेलल में जोड़ दो, तो पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, सी पैरेलल इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3, C1 प्लस C2 प्लस C3, कितना आ गया, 9 माइक्रोफेरेड। क्लियर, सीरीज में कितनी, 1 माइक्रोफेरेड, और पैरेलल में आ गई 9 माइक्रोफेरेड। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉन्फिगुरेशन इफ बोथ आर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। तो देखो रेशियो पूछ रहे हो, ओहो, तो इसे मैं रेशियो लिखना है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, U1 by U2 इक्वल टू हाफ हाफ सी इक्विवेलेंट इन सीरीज इनटू V का स्क्वायर अपॉन हाफ ऑफ सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल इनटू V का स्क्वायर, ठीक ना। तो हाफ से हाफ गया, V स्क्वायर से V स्क्वायर गया, तो क्या आ गया, CS अपॉन CP। तो सी इक्विवेलेंट इन सीरीज इज 1 और सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज 9, ये आ गया U1 by U2, U1 by U2 इज 1:9। तो बड़ा छोटा कर लेते, थोड़ा 1 लिखना था ना, तो U1 रेशियो U2 इक्वल टू 1:9। क्लियर,